हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। तो आज है भैया दूज, हम लोग गांव पहुंच गए हैं और भैया दूज बना रहे हैं। जर्नी में दिखाऊंगी आगे, फिलहाल भैया दूज के लिए बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। मेरा ब्लॉग मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लेट आता होगा, तो वो शेयर कर लेती हूँ पहले, देन बात करते हैं। मेरा छोटा भाई है ये सूरज, जो कि इस बार वो भी दिल्ली से आया हुआ है भैया, मतलब दिवाली में ही आया था, तो भैया दूज में मेरे पास आया है। अभी हम लोग थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे हैं क्लिक वगैरह खिंचवा करके, तो बस इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बिल्कुल मेरे फ्रेंड के जैसा भी है, भाई भी है और साथ में फ्रेंड भी है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इसके साथ। और ये मामा जी भी आए थे माँ जी से भैया दूज मनवाने के लिए। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है गाँव के लिए। हम लोग ढाबा पर, ये रात का 2:30 बजे का सीन है, थोड़ा 2:30 बजे हम लोग और बस गांव पहुंचने वाले हैं, ऑन दी वे हैं हम लोग। मतलब ये सब देख करके ना खुशबू सी एक आती है और फ्रेशनेस, हवा इतनी अच्छी आती है, मतलब सबसे बड़ा रीज़न है मेरा गांव आने का, यहाँ की फ्रेश हवा बहुत अच्छी लगती है मुझे। और पापा जी वेट कर रहे थे हम लोगों का द्वार पे ही, तो देखिए एकदम पार से चल दिया। गाँव पहुँचते हैं आंगन का ना मतलब सीन ही चेंज हो जाता है, सब इतना खुश हो जाता है, हम लोग को भी इतनी खुशी होती है। गाँव जाने के लिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्यों, बच्चे को लेकर के। अभी देखिए चाचा जी उसको ब्रश करा रहे हैं, टंग की दिखाओ, टंग दिखाओ, माँ जी टंग दिखाओ, टीथ दिखा, टंग क्लीन करा रही है, चलो वेरी गुड। क्या हुआ, गंदी लग गया, चलो अब ओकरा देखा लग गया गंदी, तो चलो हैंड वॉश करो, हाथ दो हाथ दो। माई अपना हाथ गंदा हाथ देख के इतना जोर से डर गई, तब चाची जी ने उनका हाथ धो दिया। उसको समझ में नहीं आया हाथ में ये क्या लग गया, ब्लैक कलर का कुछ लग गया था, तो वो एकदम गंदा देख के डर गई। एक बार क्या हुआ, गिर गई नीचे तो पैर में गंदा लग गया, तो उसको देख के डर रही है, मतलब अभी थोड़ा सा उसको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। बच्चों का देख रेख का टेंशन मुझे नहीं लेना पड़ता। तो बस गाँव में मॉर्निंग थी, गुड मॉर्निंग, सुबह 6:30 बजे का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ। बहुत अच्छी धूप आ रही है, गाँव का धूप पीना बहुत अच्छा लगता है। क्या चाहिए अभी फिलहाल, माही जो है तो उसी मंडराते रहती है, क्या लगे अभी ज़्यादा उसका किसी से लिंकअप हो नहीं रहा। अरे पापा, इसके मुंह में पैसा है, पैसा रखिए, कभी कभी घोट ली और पेट में चला गया। 7:30 बजे का टाइम है, मैं पापा जी और अमित सबको सत्तू पिला रही हूँ, गांव का स्पेशल, बिहार का स्पेशल सत्तू। तो बस नाश्ता और खाना जो है मैं और चाची जी मिलके बनाते हैं, तो अभी नाश्ते की तैयारी चल रही है और उधर बच्चों के लिए दाल भी चढ़ गई है, तो देखिए अभी मैं क्या बना रही हूँ। मैं फ़िलहाल करेले का भुजिया बना रही हूँ, लेकिन जो भी बोले गाँव में जो भी चीज़ बन रहा है ना बहुत टेस्टी लग रहा है, फेस पर मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल लगा रखे इसलिए ब्लैक लग रहा है। तो अभी ये गोभी है एकदम ताज़ा ताज़ा गोभी और बैंगन और मूली की सब्ज़ी, मतलब भुजिया और आलू गोभी की सब्ज़ी। अभी घर में जो है 15 लोग हैं, तो उस हिसाब से ये नाश्ता है ब्रेकफास्ट। और छठ में कुछ गजती होती है जिसमें कि भीख मांग करके फिर उनका प्रसाद बनाया जाता है और दिया जाता है, तो उन्हीं के लिए लेडी आई थी। तो बस मैं नहा धो के रेडी हूँ, अब मैं पापा जी को खाना दे रही हूँ, चावल दाल सब्जी भुजिया, तो ससुर जी को खाना दे दिया मैंने। और जो नहा के आई थी मैं कपड़े, वो छत पे डाल आती हूँ, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है, तो फिर सूखता भी नहीं है और कपड़े तो बहुत ज़्यादा लाइन ही है, तो उसी हिसाब से चलना होता है। चलिए छत भी दिखा देती हूँ इसी बहाने आप लोगों को।
स्पेस होता है, इतना बड़ा बड़ा जगह होता है। ये एक चम्मच लाने के लिए भी जाओ, जब तक आप चम्मच लेकर के आओगे बच्चे के लिए तब तक दूध ठंडा हो जाएगा पक्का। ये अच्छा है, मेरा वॉक भी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे दादी जी जो है बैठे बैठे सबको नोटिस करते रहते हैं, उनके यहाँ सबने खाना खाया कि नहीं, मतलब जैसे उनके 5 बेटे हैं तो उन्होंने, उनकी बहू ने, मतलब सबने खाना खाया कि नहीं। कन्या ने खुआ बेटा, बताओ ये ध्यान नहीं दे छथिन, सब बेटा सब इनकर भुखले रह जाछ। हारो ई खल का पोता इनकर बड़का ना खेलिए ना, हाँ तब ओकरा में गेल है कन्या, हाँ कतः फतेहपुर चाची यहाँ शर्मा गई हैं। आ की कलकिन दादी की कलकिन हे पाहुन गेलो नी रोकलकिन ना, पाहुन चल गेलो नी रोकलकिन ना चाची चाची के भाई। जो है हर साल काली मेला लगती है और इस बार भी लगी हुई है, वैसे पहले के मुकाबले इस बार कम लगी है। वैसे मैं कभी घूमी नहीं हूँ काली मेला, पिछले साल मैं आई थी, काली जी के दर्शन किए थे और सामने जो झालमुरी की दुकान थी उससे थोड़ा बहुत खाया था और फिर फटाक से घर चले गए थे। लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं घूमूंगी, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि काफ़ी दुकानें उठ चुकी हैं और दूसरा कोरोना की वजह से थोड़ी कम दुकान भी लगी है, बट फिर भी जो लगा है चलो देखते हैं। मैं नहीं करना चाह 10 केक छोटा वाला बच्चा। छोटे देवर हैं, बड़े क्यूट है, बहुत अच्छे हैं बेचारे, अभी थोड़े दुबले हो गए हैं, पिछली बार थोड़े अच्छे थे लेकिन इस बार थोड़े दुबले हो गए हैं। ये कहते हैं ना परफेक्ट टाइम है कन्या सबको निकलने का, मैं जैसे यहाँ की कन्या हूँ लाइक मैं बहू हूँ तो, लेकिन थोड़ी सी मैं ना बेहुरल टाइप की कन्या हूँ इसीलिए कभी निकल जाती हूँ ऐसे। यहाँ जो मूर्ति दर्शन होना था वो कल ही भस चुका है, लेकिन फिर भी मैं चली आई मेला देखने के लिए अमित रंजन को तंग करके। तो चलिए कुछ और शॉपिंग करती हूँ और खाना खाते हैं। यहाँ का क्या फेमस है सौरभ, यहाँ खाने में क्या फेमस है? चाट और चाउमीन। हाय झालमुड़ी और चाट, हाँ परफेक्ट बात में झालमुड़ी और चाट फेमस है, तो चलिए वो खाते हैं। पीछे जो देख रहे हैं वहीं पर काली मूर्ति बनती थी। कौन सा है? तो चलिए बाय, गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं गांव के व्लॉग ही शेयर करूंगी आप लोगों से। थैंक यू।